हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कुछ नया सीखे चैनल। आप यहां देख सकते हैं अनबॉक्सिंग, टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्लीकेशन रिव्यू, ऑनलाइन अर्निंग एंड मनी मोर वीडियोस। तो वीडियो के नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आई बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जसविंदर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कुछ नया सीखें। और आज हम सीखेंगे जियो मनी के 10,000 वाले फंडे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि जियो मनी क्या वाकई 10,000 रुपये सब हर यूज़र को दे रहा है तो बने रहिए इस पूरे वीडियो के साथ। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मैंने बताया था कि जियो मनी को रजिस्टर कैसे करके और आप इनके अच्छे खासे ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर ना देखा हो तो ऊपर आई के बटन में वो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज कि जियो मनी हर यूज़र को 10,000 रुपये दे रहा है, और दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है और किस लिए दे रहा है, तो चलिए हम ये जान लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको जियो मनी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें रजिस्टर हो जाइए। रजिस्टर होने के बाद में इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में इस तरीके का आपके पास इसका होम पेज खुल जाएगा। इसके बाद में आपको प्रोफाइल में जाना होगा। प्रोफाइल में जाने के बाद में माई अकाउंट में जाना होगा। तो माई अकाउंट में हम गए और यहाँ पे आपको डालना होगा अपना पिन। यहाँ पे हमने डाल लिया है अपना पिन। अब यहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है ₹10,000 अनयूज्ड ऑफ ₹10,000 लिमिट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने यूट्यूब पर कई सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जो कि हमारे यूट्यूबर भाई हैं वो बता रहे हैं कि भाई आपको जियो मनी 10,000 रुपये दे रहा है, यहाँ से आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन। मैं ऐसे यूट्यूबर से बोलना चाहूँगा कि भाई आप ऐसे वीडियो बिना सोचे बिना समझे ना बनाएं, क्योंकि लोग आपके वीडियो देखते हैं, आपके वीडियो पर भरोसा करते हैं और आप पे भरोसा करते हैं और आपके वीडियो देख करके वो आगे एक्शन लेते हैं। तो आप सोच समझ के वीडियो बनाएं, ऐसा वीडियो ना बनाएं कि आप कोई फेक न्यूज़ दिखाएं या फिर फेक वीडियो बनाएं और उसमें व्यूज़र कंफ्यूज हो के और आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, हर यूट्यूबर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी वीडियो बनाते हैं अच्छे कंटेंट बनाइए, कोई फेक वीडियो मत बनाइए जो कि लोगों को गलत जानकारी मिले और वो आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। तो क्या दोस्तों इस बात से आप कितने सहमत हैं, आप मुझे ऊपर आई के बटन में दिए पोल में अपनी राय दे सकते हैं, हाँ या ना में अपने जवाब हमें ज़रूर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने जब देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भाई ये मान लो कि 10,000 रुपये हमें कोई एप्लीकेशन दे रहा है, वो भी 10,000 रुपये जैसी रकम वो हमें क्यों देगा, वो किस लिए देगा। यहाँ पे हमें रिचार्ज करने के लिए 10 रुपये ऑफ़र नहीं मिलते तो ये मतलब 10,000 रुपये क्यों दे देगा। तो मैंने बाद में कस्टमर केयर को फ़ोन किया और कस्टमर केयर से हमारी बात हुई और बात करने के बाद में मालूम पड़ा कि जो मतलब उन्होंने बताया कि जब ये जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं इसमें आपकी लिमिट होती है हर महीने की 10,000 रुपये की, यानी 10,000 रुपये तक आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं हर महीने। तो यहाँ पे मैंने इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो यहाँ पे मुझे इसलिए ये 10,000 रुपये शो हो रहे हैं। जो इसे यूज़ नहीं करता है, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो उसको यहाँ पे ये 10,000 रुपये शो होते हैं। तो वो यही इसकी लिमिट है कि एक महीने में आप 10,000 रुपये तक इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि देखिए ₹10,000 अनयूज्ड, यानी हमने इस महीने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, यानी 10,000 रुपये में से कोई भी ट्रांजैक्शन हमने यूज़ नहीं किया है तो अनयूज्ड ऑफ 10,000 लिमिट। आपकी जो लिमिट है वो 10,000 है, इसमें से आपने 10,000 में से कोई भी आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो 10,000 आपको यहाँ पे अनयूज्ड दिखा रहा है। यहाँ पे तो मैंने अपने अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो यहाँ पे मुझे ये पूरे के पूरे 10,000 रुपये शो हो रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1,000 या 2,000 का ट्रांजैक्शन किया होता तो यहाँ पे 8,000 हमें, यानी 9,000 रुपये, अगर यानी 10,000 में से हमने 8,000 रुपये ट्रांजैक्शन की होती तो यहाँ पे हमें 8,000 रुपये शो हो रहे होते। यहाँ पे हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे 10,000 रुपये शो हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे 10,000 रुपये अनयूज्ड, यानी हमने कोई भी यूज़ नहीं किया है, आपकी लिमिट 10,000 रुपये है। तो दोस्तों ये है इसका फंडा। चलिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है। आप पासबुक में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बात गलत है कि आपको कोई भी यूट्यूबर बोले कि आपको यहाँ पे 10,000 रुपये दे रहा है जियो मनी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप ऐसे यूट्यूब पर भरोसा मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि हर यूट्यूबर पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन हाँ, जो सच में जो वीडियो रियल वीडियो बनाते हैं और सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो यही था आज के बारे में आपको बताना था कि इसका जो 10,000 वाला फंडा क्या है, तो यही इसका फंडा है। आपको यहाँ पे कोई भी 10,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और उनको भी बताइए कि ये बात बिल्कुल गलत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप एक बार देख लीजिए उसके वीडियो को। अगर वो रियल वीडियो बनाता है तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर चैनल को आप अनसब्सक्राइब या सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, आप उनके वीडियो देखिए। तो आशा करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ना पसंद आया हो तो अनलाइक कीजिए। अनलाइक करने से पहले मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए कि मेरे वीडियो में क्या प्रॉब्लम था, ताकि मैं आगे की जो वीडियो बनाऊँ ऐसी प्रॉब्लम यानी ऐसी गलती ना करूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करें, क्योंकि जो भी कुछ बातें रह जाती हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक देखते रहिए, सीखते रहिए कुछ नया सीखे चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।